कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए वर्चुअल स्कूल और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश व स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी विषय के तैयार किए गए वीडियो से छात्र छात्राएं घर पर ही पढ़ सकेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा था वह अपने समय के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना वायरस से ज्यादा गति मिली है। सारे आवागमन के साधन बंद हो गए, लोगों का घर से निकलना बंद हो गया। ऐसे में राजनीति का क्षेत्र हो या व्यापार का, सब जगह वर्चुअल क्लास से शुरू हो गई, वर्चुअल सभाएं शुरू हो गई। तो यही शिक्षा के क्षेत्र में उतर आया और आजकल आप देख रहे हैं जो क्लासों में जो पढ़ाई होती है वह पढ़ाई मोबाइल फोन लैपटॉप के माध्यम से कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी अपडेट स्कूलों में जो पढ़ाई पीछे पिछड़ रही है उसको कवर करने के लिए, प्रक्रिया में लाने के लिए सरकार द्वारा एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। टेलीविजन के माध्यम से वह यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं जो कि छात्र घर बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। तो उसमें ज्ञान नाम का प्रोग्राम आया है जो कि दूरदर्शन के चैनल पर भी है। उसमें किस तरह से पढ़ाई कराई जाएगी, क्या उसका समय रहेगा, इस सब पर जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जो छात्र 9वीं से 12वीं क्लास के हैं उनके आवास को सूचित करें कि आप लगभग 1 से 6 तक के समय में अलग अलग शेड्यूल बने हुए हैं, क्लास वाइज शिक्षा दी जाएगी, तो आप शिक्षा ग्रहण करें एवं आपको जो भी जिज्ञासा है, प्रश्न होंगे तो उनके बारे में भी फोन पर माध्यम से आप उसके समाधान ढूंढ सकते हैं। कुल मिलाकर वर्चुअल स्कूल भी जो व्यवस्था शुरू की गई है वह निश्चित ही यह कोरोना काउंट में शिक्षा में जो दे पाया है उसको पूरा करेगी। सिलेबस के लिए बताया गया है कि पहले से 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है, उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं या पाठ्यक्रम टेलीविजन यूट्यूब के माध्यम से व्हाट्सएप पर दूरदर्शन पर आपको मिलेंगे। बस आपको एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई का ध्यान लगाना है, श्रेष्ठ छात्र छात्रा के रूप में स्थापित करना है, तभी सरकार के यह प्रयास सफल होंगे। कोरोना महामारी के चलते बच्चे विद्यालयों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी एसीएस श्रीमती आराधना शुक्ला द्वारा ये प्रयास किया गया है कि दूरदर्शन से कोलैबोरेशन करके बच्चों को दूरदर्शन में चैनल के माध्यम से ज्ञान दिया जा सके। इसके लिए दूरदर्शन पर कक्षा 10 और 12 के लिए समय निर्धारित किया गया है, जिसमें अपराह्न 1 बजे से 2 बजे तक, 2:30 बजे से 3 बजे तक, 3:30 से 5 और 5:30 से 6:30 के बीच में दूरदर्शन पर कक्षा 10 और 12 के लिए, और स्वयं प्रभा चैनल 22 पर कक्षा 9 और 11 के लिए पूर्वाहन 11 बजे से 1 बजे तक, और उसका रिपीट टेलीकास्ट 4:30 बजे से 6:30 बजे तक किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वो बच्चे जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है या जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है उनको दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा सके। सिलेबस को इस हेतु कोरोना महामारी के चलते 30% कम किया गया है, और जो सिलेबस जिसमें अध्यापकों का ज्ञान जरूरी था उसके वीडियोस बनाकर सभी बच्चों में समान शिक्षा दी जा सके, एक ही समय में एक ही अध्यापक द्वारा समान ज्ञान बच्चों में प्रसारित किया जाए, उसके लिए ये व्यवस्था लागू की गई है, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा ई ज्ञान गंगा के नाम से नामांकित किया गया है।